के ऊपर एसी कैबिन क्यों ना हो, जब हाँ हम गाड़ी में चलते हैं बिल्कुल, तो क्या किसान को भी इतना भी दौड़ना चाहिए, धूल मिट्टी में क्यों चले? हाँ जी, जैसे कपड़े सुबह पहन के गए शाम को वैसे ही। जो कैबिन है हाँ जी, ये मडगार्ड के ऊपर नहीं है। अच्छा। प्लेटें जो नीचे से बंद किया हुआ है ना कैबिन को, हाँ जी, क्यों नीचे तो ट्रैक्टर है तो इसमें गारा मिट्टी सब कुछ लगेगा, बिल्कुल सारा तो स्टेनलेस स्टील है वो नीचे। अच्छा, वो भी स्टील का करवा दिया आपने। वाह जी वाह, किसानों को सही गाइड करना है, बिल्कुल सही बात बतानी है जी जी, भी किसी का पैसा खराब ना हो। बिल्कुल सर, जो किसी का मेहनत की कमाई है सही जगह लगे वो। बिल्कुल 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 सर, सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जी, जिसमें आपको एसी कैबिन के जो ट्रैक्टर है 5210 और दोनों फोर व्हील ड्राइव हैं, दो ट्रैक्टर दिख रहे हैं जी। तकरीबन हमने कई वीडियो की हैं एसी कैबिन की, जो कंपनी फिटेड भी हैं वैसे भी, जो हमारे किसान भाई लगवाते हैं। और आज हम एक ऐसे किसान भाई से मिलेंगे जिन्होंने बाहर से लगवाया और लगवाया भी अपनी ही जानकारी की तरह से, जैसे उन्होंने चाहा वैसा ही कैबिन लगाया, और देखने में ऐसे लगता जी जैसे जॉन डियर कंपनी से कंपनी फिटेड एसी कैबिन लगा हुआ है। और इसमें जैसे पहले हमने वीडियो डाली थी वैसे कैबिन नहीं है, ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप भी वैसे ही आप अपने ट्रैक्टर का एसी कैबिन लगवा सकते हो। तो आज मिलते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज हमारे किसान भाइयों को आपने मौका दिया वीडियो में और एसी कैबिन में जानकारी देंगे। तो सर आप अपना पहले नाम बताइए और अपने गांव का नाम जरूर बताएं सर। मेरा नाम जी सुरजीत सिंह है। अच्छा जी, गाँव खानपुर जटान। अच्छा, तहसील शाहबाद। ठीक है जी। और सर आज जैसे कि हम देख रहे हो आपके दो ट्रैक्टर है 5210 एसी कैबिन, तो आपने पहले ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दीजिए, ये ट्रैक्टर कब खरीदा था आपने? ये करीबन एक साल हो गया इसको। अच्छा जी, एक साल खरीदा हाँ। था पहले, और फोर व्हील ड्राइव में खरीदा है दोनों? फोर व्हील ड्राइव में। अच्छा, और उसके बाद सर एसी कैबिन के बारे में जानकारी दी, कंपनी से आया ये एसी कैबिन या आपने खुद लगवाया? नहीं नहीं, ये हमने बाहर से लगवाया। अच्छा, मैं पिछले 7 सालों से एसी कैबिन के बारे में सोच रहा, अभी ट्रैक्टर के ऊपर एसी कैबिन क्यों ना हो, जब हम गाड़ी में चलते हैं बिल्कुल, तो क्या किसान को भी इतना भी दौड़ना चाहिए, धूल मिट्टी में क्यों चले? हाँ जी, जैसे कपड़े सुबह पहन के गया शाम को वैसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं 7 सालों से रिसर्च कर रहा, मैंने बहुत जगह देखा। अच्छा जी, मैं कई शहरों में लगाते हैं, सबसे मैंने बात की, देखा। अच्छा जी, तो मेरे ये समझ में आया यहाँ भी जैसे मैं चाहता था। हाँ जी, वैसे ही कंपनी बनाती है, अमरावती में बनाती है। हाँ जी, जादोले लैंड बिल्कुल, उसका भी देखा, पर वो कहते थे भी अमरावती ट्रैक्टर भेजो हम वहाँ लगाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, अभी इतनी दूर था वो। हाँ बिल्कुल। और सर जैसे आप कह रहे हो कि 7 साल से मैंने रिसर्च किया है, कोई भी किसान भाई इतनी वेट नहीं करता, उसको तो ये होता भी फटाफट ट्रैक्टर आ गया, जल्दी से एसी कैबिन लगवाओ और चलो जी काम चल गया। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है सर कि ट्रैक्टर के मरघाट खड़क गए जी, और एसी कैबिन की आवाज़ बहुत खड़क आ रही है, अंदर से आवाज़ बहुत आ रही है, तो इसमें आप बताएं कि इसमें ऐसा क्या सिस्टम आपने जो रिसर्च की 7 साल में, ऐसा क्या सिस्टम इसने बदलाव किया एसी कैबिन में, उसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो कैबिन है हाँ जी, ये मडगार्ड के ऊपर नहीं है। अच्छा जी, इसमें 4 फंडेशन लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये देखो ये है, बिल्कुल पीछे आ जाओ। अच्छा जी, ये लगे हुए हैं। अच्छा जी, मडगार्ड से ऊंचा है बिल्कुल, ये सिलिकॉन है। हाँ जी, पैकिंग है। अच्छा, ये जो बीच में रबर है ये सिलिकॉन लगी है? सिलिकॉन है, ये मडगार्ड के ऊपर नहीं है। हाँ अच्छा जी, आधा इंच ऊंचा है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है, नीचे से देखो खुला है, कोई काम करना हाँ जी, बिल्कुल, कोई मैकेनिक ने काम करना हो, कुछ भी करना हो, खुला है नीचे से बिल्कुल। यहाँ पे वैसे जॉन डियर की टैंकी होती है ना? नहीं नहीं, टैंकी ऐसा है, मैंने टैंकी कंपनी से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, नीचे टैंकी लगवाई मैंने। अच्छा, कंपनी से जॉन डियर से ही। अच्छा, वैसे तो बाहर भी लगा देते हैं जो एसी कैबिन बनाते हैं, बिल्कुल सर, वो 8,000 रुपए की टैंकी लगा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने कंपनी से, मैं ओरिजिनलिटी तो चाहिए थी। हाँ जी हाँ जी, तो इसीलिए मैंने कंपनी से मंगाया। अच्छा, 25,000 रुपए मेरा खर्चा आया। अच्छा, और मैंने डीजल टैंक जैसे कंपनी से एसी कैबिन में आता है वैसा ही लगवाया। अच्छा, वैसा लगवाया पहले आपने? हाँ। फिर आप ट्रैक्टर घर पे लेके आए? घर पे लेके। अच्छा जी, आगे बताइए सर कैबिन के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे ये सिलिकॉन भी, यानी कि
ज़्यादातर क्या होता है एसी कैबिन ना मरगाट के ऊपर ही होते हैं और मरगाट भी हिलते हैं और उससे से एसी नहीं नहीं आप इसको जैसे मर्जी रोड पे चलाओ। अच्छा जी, ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कार में बैठे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। और तकरीबन जो आप पीछे के बता रहे थे ये स्पोर्ट हैं जो, हाँ। ये तकरीबन किसी में नहीं मिलती, बस ऐसे ही मरगाट के साथ लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना। ये नहीं, ये स्पोर्ट है, इन्हीं के ऊपर ये चार फंडीशन है। हाँ जी, इसके ऊपर है ये दोनों, ये एक ये फंडीशन है और एक इस साइड है, दो आगे हैं। हाँ, अगर हमने ट्रैक्टर का कोई रिपेयर करनी है, कुछ करना है, ये चारों फंडीशन के चार नट खोलो। अच्छा, कैबिन अलग, कैबिन अलग हो जाता, कैबिन अलग हो जाता, कोई भी काम करना होगा। ठीक ठीक ठीक, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये ऐसे लगा दिया और कल को हमें कोई रिपेयर करना पड़ गया तो हम कर ना पाए इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कल ना खोलने की जरूरत पड़ती है। लगवाने से पहले सारी बातें सोच के फिर ही इसको लगवाया गया। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने 7 साल रिसर्च करी है इसी पे, क्योंकि पैसा लगाना ये तो है नहीं, दोबारा दोबारा पैसा हमारे पास फालतू आया किसान के पास। तो आगे सर बताइए एसी कैबिन के बारे में, वैसे अब चलते हैं और भी बातें बताइए कि और इसमें क्या थोड़ा सा एक्सचेंज किया है। देखो, आपने डीजल टैंक तो देख लिया है। हाँ जी बिल्कुल सर, अंदर से देखो आप, ड्राइवर सीट है जो मैंने अलग से लगवाई है। बिल्कुल, एयर सस्पेंशन सीट है। अच्छा, ये अलग से, क्योंकि इसमें सिंपल सीट आती है, सिंपल सीट आती है, ये एयर सस्पेंशन सीट है, 29,000 रुपये की मैंने मार्केट से खरीद कर लगवाई। वाह जी वाह, यानी कि आपने पैसा तो लगाया, पूरी फिलिंग के साथ लगवाया, अभी काम अच्छा होना चाहिए। ये देखो किसान भाइयों, और पूरी कंफर्टेबल सीट है ये भी, एसी कैबिन यदि बैठना है तो पूरे कंफर्टेबल के साथ बैठ सके, ये ना भी पैसा लगा दिया चलो भाई मज़ा नहीं आया। हाँ जी सर, 7 ब्लोर हैं इसके अंदर। बिल्कुल फुल कूलिंग। अच्छा, जैसी आप चाहते हो। अच्छा जी, फुल चिल्ड नॉर्मल रखना है जैसा मर्जी, वहाँ से जितना भी आप बटन को घुमाएंगे, हाँ जी, उतना ही कूलिंग पे टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है एक्स्ट्रा, देखो। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हो किसान भाइयों, ये तो हो गया पंखे वाला, यानी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये हो गया कि टेम्परेचर आपका जो एसी कैबिन का टेम्परेचर है वो कितना करना है। यहाँ से तो नॉर्मल है, ज़्यादा करना है 16 डिग्री से भी पार तो यहाँ तक कर सकते हो। और सर ने बताया था, सर यहाँ पे जैसे आप बताते थे कि भी नॉर्मल रखना है तो फिर ऑटोमेटिक ये कट आउट कर देगा, कट आउट कर देगा। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। जितना टेम्परेचर आपने रखना है, अच्छा, जैसे कंफर्ट हो, ड्राइवर कंफर्ट है जितने में, हाँ जी हाँ जी, तो उतना आप कर सकते हो। बिल्कुल, और ये पंखे देख सकते हो, बोरओवर जिसे कह सकते हैं, 3 है और 4 इस साइड है 3 और ये तकरीबन एसी कैबिन में 7 नहीं है सर, तकरीबन 4 होते हैं या 3 होते हैं, 2 इस साइड। नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा पैसा लगा के अलग से लगवाए हैं। अच्छा, आपने ये अलग से करवाया है। 4 लगाते हैं वो। अच्छा जी, अलग से लगाए हैं। और ये सर, ये तो इसके सक्शन के हैं मान ले। अच्छा, जो हवा को अंदर ले जाएगा। बिल्कुल, तो बाकी जो फालतू की गर्म हवा होती है बाहर निकाल देता होगा। ठीक है सर, ठीक है। और जो इसकी क्वाइल है, हाँ जी, वो वैसे तो आगे लगाते हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, बोनट में लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो रेडिएटर के आगे। हाँ जी, तो मैंने इसको अपनी समझ से ऊपर लगवाया। अच्छा, खेत में चल रहा डस्ट है, खेत में कबाड़ है, स्ट्रॉ है, कचरा है। अच्छा जी, तो वो इतना ऊंचा तो कोई जाएगा ही नहीं, ना मिट्टी जाएगी ना कुछ जाएगा, तकरीबन ज्यादातर कचरा तो आगे ही आता है। हाँ, फिर यहाँ आगे लगी भी हो तो हमें दिक्कत होगी, कल को रेडिएटर का कुछ करना पड़ गया, कोई काम करना पड़ गया, बैटरी यहाँ से उठानी पड़ेगी फिर। हाँ जी, अगर यहाँ करेंगे तो बैटरी तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो ये सारा सोच के तो ऊपर लगवाया उसको, आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई है। और तकरीबन कितना टाइम हो गया सर एसी कैबिन को? करीबन हो गए इसको 10 महीने के। अच्छा सर, और जैसे कि सर मैं देख रहा हूँ जो बाहर वाले जो मिस्त्री हैं, जैसे पंजाब वगैरह में, और जैसे आपने कहा कि अमरावती में बनाते हैं, जो फ्रंट ऊपर वाली जो फाइबर है ना, वो थोड़ी सी कुछ अलग होती है, वहाँ से बंदे को पता लग जाता है भी हाँ भी ये तो देसी तरीके से एसी कैबिन लगवाया है। और जो आपने फाइबर लगवाई है ऐसी लगती है भी हाँ भी कंपनी फिटेड है, इसको कोई कह ही नहीं सकता भी बाहर से लगवाया ये। इसके बारे में आपको डिज़ाइन ये ऐसा है, हमने यूट्यूब से, अच्छा जी, ये डिज़ाइन चूज़ किया था। हाँ जी, फिर उसको जो फैब्रिकेटर है जिन्होंने बनाया, हाँ जी, उसको हमने ये डिज़ाइन दिखाया। अच्छा, ये डिज़ाइन हमें चाहिए। अच्छा जी, तो उसने सेम वैसा ही बना दिया। बिल्कुल सर, और उसके बाद उसने क्या किया, हाँ जी, अपना डिजाइन ही चेंज कर दिया। अच्छा, डिजाइन चेंज कर दिया, या आपके ट्रैक्टर के लगा के दोबारा इतना महसूस होया भी इसको डिजाइन को चेंज कर दिया। वो कह रहा जी पहले आदमी हो आप जिन्होंने मेरा डिजाइन ही चेंज करवा दिया।
अच्छा जी, क्या बात है। तो सर जैसा कि देख रहा हूँ मैं, 7 साल का जो रिसर्च है आपका, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बता रहे हो हमारे किसान भाइयों को। और दूसरे ट्रैक्टर की यदि बात करें तो लाइटिंग वगैरह हम देख सकते हैं, इसमें लाइटिंग वगैरह उन्होंने लगवाई है या आपने खुद लगवाया? नहीं नहीं, वो जो लाइटिंग एक नॉर्मल लाइटिंग लाइट लगाते हैं वो, हाँ जी, तो ये हमने जो लाइट ये हमने ली है, हाँ जी, ये मैंने खुद परचेज की है लाइटिंग। अच्छा, खुद मैंने अपना उसको बताया भी ये लाइट लगानी है, खुद परचेज करके उसको लाइटें मैंने ला के दी। अच्छा जी, बाजी बा, क्या देखो ऐसा है, वो उनका तो रूटीन का काम है, वो तो ऐसी चीज लगाएंगे जिसमें 10 पैसे बचते हों। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बात भी ठीक है उनकी, अगर वो इतना माले कॉस्टली काम करेंगे तो उनको बचेगा क्या? बचेगा क्या, बिल्कुल। तो मैंने उसको बोल दिया था, मैं कहा आपसे एक भी पैसा नहीं काटूंगा, अच्छा, अपनी जेब से दूंगा ये लाइटिंग सारी लाके और ये लगानी है। अभी काम जैसा आपने चाहा वैसा हो गया? वैसा हो गया, उससे भी बढ़िया हो गया, उससे भी बढ़िया हो गया, और दिख भी रहा है सर वीडियो में, ये देखो आप किसान भाइयों। और जैसे एक चीज और है, हाँ जी, ये जो छत है ना ये फाइबर की नहीं है। अच्छा जी, अच्छा फाइबर की नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और जो ऊपर उस वो भी फाइबर की है या वो भी? नहीं नहीं नहीं, वो शीट है वो। अच्छा, शीट है वो। हाँ। और सर जो इसकी नीचे वाली फाइबर की बात करें तो वो कौन सी आपने लोहे की लगवाई या उसमें कई बार ये होता है कि जंग वगैरह लग जाता है? नहीं नहीं, वो स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, वो स्टील वाली लगवाई है। प्लेटें जो नीचे से बंद किया हुआ है ना कैबिन को, हाँ जी, क्यों नीचे तो ट्रैक्टर है तो इसमें गारा मिट्टी सब कुछ लगेगा, बिल्कुल सारा तो स्टेनलेस स्टील है वो नीचे। अच्छा, वो भी स्टील का करवा दिया आपने? वाह जी वाह, यानी कि उसको जंग ना लगे भी, दोबारा दोबारा खराब ना हो। तो किसान भाइयों देख सकते हो आप, अंदर लेदर सीट की बात करें तो काफी अच्छा है यार, बहुत ही शानदार है। और जैसी कंपनियां क्या करती हैं, एसी कैबिन तो लगवा देती हैं, सर ने 7 साल का रिसर्च करने के बाद ये देखिए, कोई हमारा किसान भाई है साथ में बैठना चाहे ना तो उसके लिए भी ये देखो सीट है, उस साइड भी है, उस साइड भी एक बच्चा बैठ सकता है, इस साइड तो बड़ा बैठ सकता है, आराम से बैठ सकते हैं। तो सर ये जो आपका आइडिया है ये कैसे आपने इतने टाइम से ऐसी रिसर्च करने की कोशिश की? देखो ऐसा था, मैं वैसे तो चाहता था भी कंपनी फिटेड ही मेरे को एसी कैबिन मिल जाए, हाँ जी, तो मैं चाहता भी 50 या 55 HP में था जी, इससे बड़ा ट्रैक्टर हमारे पास कामयाब नहीं है। ठीक है सर, छोटे काम भी हैं बड़े काम भी हैं, अगर हम बड़ा ट्रैक्टर लेंगे तो बड़े ही काम करेगा, छोटे नहीं करेगा, छोटे नहीं करेगा बिल्कुल, तो फिर वो तो खड़ा ही रहेगा, काम क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो हमने 50 या 55 HP में हमें कोई ट्रैक्टर कंपनी से मिल नहीं रहा था, अच्छा, जिसमें एसी कैबिन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमने तलाश की, कौन परेशान हो भी इधर से उधर घूमे कहीं भी कंपनी से एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, अभी साथ में जाके ट्रैक्टर दे और 1-2 महीने में बाद में। और आपने पूरी पड़ताल रखे भी, जैसे जैसे जो जो चीज लगनी है पूरी इंक्वायरी की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों इकट्ठों को लगी थी या अलग अलग से लगी थी? नहीं नहीं, परचेज हमने इकट्ठे किए। अच्छा जी, एक ट्रैक्टर चला गया, हाँ जी, जिस दिन इसका कैबिन लग गया उसको ले आए, दूसरे को छोड़ आए। अच्छा, दूसरे को छोड़ा है? दूसरे को भी। आपको काम बढ़िया लगा? बढ़िया काम। पहले जिस भाई के पास आपने ये कैबिन लगवाया, पहले आप उसके पास गए होगे? गए उसके पास हम, ये वहाँ भी चेक किया होगा भी क्या? मैंने चेक किया। अच्छा जी, मैंने उसको पूछा भी ये अपना कैबिन दिखाओ। अच्छा जी, एक 8 साल पुराना ट्रैक्टर खड़ा था उसके पास। अच्छा, 8 साल पुराना सोनाली का ट्रैक्टर था, 8 साल पुराना। अच्छा जी, वो कहता जी इसको चेक कर लो। मैंने 8 साल पुराना ट्रैक्टर चलाया जो कि भट्टे पे चलता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इंटर्न होने में। अच्छा, तो उस पे एसी कैबिन लगवाया? एसी कैबिन लगा हुआ था, मैंने चलाया वो बिल्कुल नए जैसी फीलिंग आ रही थी उसमें से। क्या बात, मेरे जब ही समझ, मैंने ऑर्डर दे दिया उसको। अभी जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे कर देना, मैंने बोल दिया था उसको भी, काम मेरी मनमर्जी का होगा, पैसे आपकी मनमर्जी के होंगे। फिर भी लाड़ो सर, जो मिस्त्री आगे है वो भी बहुत ही शानदार है, जो आपकी बात मान के एसी कैबिन अच्छा तैयार किया। और उसके बाद आप बता रहे थे कि वैसा ही सेम कंडीशन जैसे एसी कैबिन किया दोनों ट्रैक्टरों में, वैसे ही वो बना रहा है? वैसे बना रहा है। तो जहाँ से आपने ये बनवाया वो भाई कहाँ के हैं? वो है जी मरिंडा के बिल्कुल पास, 2 किलोमीटर है मरिंडा से, चलक्की गांव है। अच्छा जी, पंजाब में है। अच्छा जी, फतेहगढ़ साहब से रास्ता जाता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहाँ के जिन्होंने हाँ। तो JS Works। अच्छा, JS Works। क्या होता है कि किसान भाई एसी कैबिन लगवा लेते हैं और उसमें खर्चा नहीं बताते कि कितना खर्चा लगा है, इसमें आपको जैसे आपने तकरीबन एक एक चीज़ नोट की होगी, तो इसमें आपका टोटली जैसे हम सीट की बात करें, जैसे एक्स्ट्रा भी सामान लगवाया, एसी कैबिन भी लगवाया,
तो तकरीबन कितना आपका खर्चा एक ट्रैक्टर पे आ गया? अप्रोक्सीमेट जो जो फैसिलिटी हमने ली है इसमें ट्रैक्टर में, हाँ जी, तो 3 लाख रुपए खर्चा आया। अच्छा, 3 लाख रुपए खर्चा आया, यानी कि उसमें आपने बताया कि 28-29 हज़ार की सीट भी है। हाँ, डीजल टैंक है, डीजल टैंक आ गया, आगे फेंडर लगे हुए हैं। अच्छा, ये फेंडर भी कंपनी से लगवाए हैं? ये फेंडर कंपनी से लगाते हैं, ये दशमेश ट्रैक्टर वाले हैं अपना यहाँ कुरुक्षेत्र, हाँ जी, जिनसे परचेज किया, उन्हीं की डिजाइनिंग है, वो ही लगाते हैं। बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीदने की इच्छा नहीं थी? खरीद भी सकते थे पर इच्छा नहीं थी कि इतना महंगा क्या करेंगे। 52-10 को खरीदा जहाँ पे अपना काम सही रहे, उस पर 7 साल का रिसर्च किया एसी कैबिन पे। इससे पहले वो रिसर्च कर रहे थे भी किस ट्रैक्टर पे लगवाना चाहिए, तो सबसे कामयाब जॉन डियर पे। सर तकरीबन जैसे हम बात करें तो कई किसान भाइयों से मिले हैं, वो भी कहते हैं कि एसी कैबिन तकरीबन जो मिस्त्री है ना वो बहुत खुश होते हैं जॉन डियर पे, उसका रीजन क्या है? जॉन डियर में मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, आप यहाँ से देखो, जॉन डियर ट्रैक्टर यहाँ से सील्ड है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लो, इंजन की हवा अंदर, इंजन की कोई हवा अंदर नहीं जाएगी, हाँ जी, ये सील्ड है बिल्कुल, तो इसलिए सबसे ज्यादा कामयाब है। और जो जो फैब्रिकेटर जो इसको लगाते हैं, हाँ जी, वो भी खुश होके इसमें लगाएंगे। अभी कोई अलग चीज नहीं लगवानी, अलग चीज लगानी, यहाँ से बंद नहीं करना उन्होंने, बिल्कुल ये बिल्कुल सील्ड है जैसे कंपनी फिटेड होता है। नंबर दो, डीजल टैंक होता है यहाँ पे ट्रैक्टर का, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम ट्रैक्टरों का यहीं पे डीजल टैंक होता है, तो फिर उसको यहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल है, कैसे हटाएंगे उसको? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए। फिर आप देखो उनका कंप्रेसर की फिटिंग देखो, ये देखो जी कंप्रेसर की फिटिंग, सैंडन का है ना कंप्रेसर, सैंडन का है, सैंडन। तो ये भी उनकी चॉइस थी, आपने बताया था? नहीं, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस थी, ये वो भी ब्रांड न्यू लगाते हैं, कोई भी चीज पुरानी नहीं लगाते। अच्छा, पुरानी कोई भी चीज नहीं, ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू, एक भी लाइट इसमें नॉन ब्रांड नहीं है, सब ब्रांडेड है, ब्रांडेड लाइट लगाई है। हाँ, ये नहीं है अभी वैसे ही खरीद के लो। वो बात सर आपकी सही है कि पैसा भी लगवाना है, फिर 5-10 हज़ार क्या देखना ऊपर या नीचे। हाँ हाँ, ये तो ट्रैक्टर को अच्छी तरीके से सजावट होनी चाहिए। और एसी की कूलिंग, चलिए देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं, आप अंदर बैठिए और पता लग करते हैं अभी क्या सिस्टम है अंदर, नॉइस कैसी आती है वो भी पता लग जाएगा। ये कर दिया जी स्टार्ट। और सर एक आप बता रहे थे कि इसमें आपने एक कटआउट लगवाया है एसी कैबिन में। हाँ, वो आगे लगा हुआ बैटरी के पास। अच्छा जी, ये यहाँ पे स्विच है इसका। अच्छा, ये क्या है, जब हम ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं, जैसे काम कर लिया है, अब एसी कैबिन ट्रैक्टर है, कहीं शॉर्ट सर्किट का भी खतरा होता है, तो यहाँ से ये स्विच बंद कर दो, पूरे ट्रैक्टर की लाइट काट। अच्छा जी, कोई बच्चा या कोई भी स्टार्ट करना चाहे या कोई चोर स्टार्ट करना चाहे तो वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, कटआउट आगे से लाइट कट है बिल्कुल बैटरी। और जो इसकी वायरिंग है एसी कैबिन की, जितने की लाइटिंग वगैरह की, उसकी वायरिंग ट्रैक्टर के साथ जोड़ी है? नहीं, ट्रैक्टर की वायरिंग कहीं से भी कट नहीं है। अच्छा, ये अलग से वायरिंग है, अलग से फ्यूज है इसके लगे हुए आगे से, ट्रैक्टर की वायरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, वाह जी वाह। और तकरीबन देख सकते हो आप कूलिंग कर रखी है, और कूलिंग बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कंपनी फिटेड में कूलिंग आती है ना वही कूलिंग है, क्योंकि ये चीज़ है जी, पैसे लगना चाहिए, काम ज़बरदस्त होना चाहिए। वैसे ही सर ने 7 साल की मेहनत के बाद ये अपने लिए खुद एसी कैबिन तैयार कर लिया अपने ट्रैक्टर पे, और ये देख सकते हैं आप शानदार तरीके से किया है ये, इन्हें भी आलतू फालतू वाला एसी कैबिन तैयार किया, बिल्कुल जैसे इनको चाहिए था वैसा ही तैयार। ठीक है सर, आप इसको एक बार बंद कर लीजिए, कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो किसान भाइयों देख सकते हो, सर ने हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं और सभी को अच्छे तरीके से जानकारी दी है। और इसमें क्या है कि उन्होंने ये बताया अभी एसी कैबिन यदि लगवाना है, पैसे ना ख़राब करो, ऐसे लगवाओ। तकरीबन कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं करता, जैसे सर ने कहा है कि 7 साल रिसर्च की, उसके बाद जानकारी ली भी एसी कैबिन कैसे लगना चाहिए कैसे नहीं लगना चाहिए, अच्छे तरीके से 2 ट्रैक्टरों को किया। ये नहीं भी एक ट्रैक्टर को यहाँ से करवा लिया, ये एक ट्रैक्टर को उन्होंने अपनी मर्जी से, मिस्त्री तो चलो वो मुरिंडे वाला है था, पर इनका जो दिमाग था वो एसी कैबिन पे था, भी हाँ भी ये तकनीक ऐसे होनी चाहिए, डिज़ाइन भी ऐसा होना चाहिए,
नहीं तो कोई भी ऐसे छत जो आप देख सकते हैं कंपनी ही कर सकती है, कोई भी ऐसे कोई मिस्त्री कर नहीं सकता। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने एसी कैबिन तैयार करवाया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज टाइम दिया और दोनों ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों को दिखाए और अच्छे तरीके से जानकारी दी। नहीं सर ऐसा है, हमें तो किसानों को सही गाइड करना है, बिल्कुल सही बात बतानी है जी, भी किसी का पैसा खराब ना हो। बिल्कुल सर, जो किसी का मेहनत की कमाई है सही जगह लगे वो। बिल्कुल 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 सर। और जैसे सर ने बताया अभी, हाँ अभी एक एक चीज़ के बारे में बताया, नोटिस करने की बात यही है, टैंकी से लेके सीट तक बताया अभी, हाँ भाई इसको ये सीट लगवाई है और टैंकी ऐसे लगवानी चाहिए, ऐसे नहीं लगवानी चाहिए, कौन सी लेदर सीट लगवानी चाहिए, कौन सा फाइबर लगवाना चाहिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे जानकारी दे सकता है, मिस्त्री भी नहीं ऐसी जानकारी देता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आपको आपने हमें टाइम दिया। तो किसान भाइयों ये थी एक शानदार वीडियो जिसमें आपने देखा कि जॉन डियर 5210 जो सर ने एसी कैबिन लगवाया दोनों ट्रैक्टर को, पहले ट्रैक्टर खरीदे सिंपल में जिसकी टैंकी नीचे थी वो पहले करवाई, नहीं तो टैंकी जो कंपनी है वो पीछे लगाती है, यहाँ पे नहीं लगाती। पहले इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और उसके बाद ये एसी कैबिन लगवाया, वो भी अपनी मर्जी से भी कैसा लगाना चाहिए कैसा नहीं। तो यदि आपने देखना हो एसी कैबिन तो सर से आप यहाँ जो गाँव है खानपुर जट्टा वहाँ पर आप देख सकते हो, जो किसान भाई इच्छुक है इस ट्रैक्टर के एसी लगवाने के लिए। तो सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपने जैसे ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है तो क्यों ना आप ये काम स्टार्ट कर दीजिए, हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो जाएगा। देखो ऐसा है, इसके लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। बिल्कुल, टाइम भी चाहिए, इस काम की नॉलेज भी चाहिए। नॉलेज हमें वैसी नॉलेज है, हम इसको काम करने की नॉलेज नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जो देखना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो सर का नेचर बहुत ही अच्छा है, जैसे तरीके से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, नहीं तो ऐसे जानकारी कोई नहीं देता। तो किसान भाइयों ये थी एक आकर्षक वीडियो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एसी कैबिन कैसे लगा, और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में भी करें क्योंकि सर ने वीडियो देखनी है उसमें आपको बता भी सकते हैं कमेंट करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो किसान भाइयों ये थी एक वीडियो, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।